ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਰੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 362 ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਕੇ ਦਾਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, 2250 ये 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये करना, और बिके तो बिके ना भी बिके तो जी गंडे का भाव है ये पूरा हो गया, इसमें कोई कमी नहीं। गेहूँ का भाव भी तो पहले दे दिया, ये वो सामान कराया जी, मन ने उसको पगड़ी पहनाई धन्यवाद करने आया था, उससे मेरे गले में यूँ पहनाया तो यूँ मेरा स्वागत है। बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा पेंशन देने लग रहे जी 2500। किसान के नाते परंपरागत फसलों की बजाय आजकल की आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़े, हालांकि जो परंपरागत फसलें हैं उसको भी हम कोई पीछे नहीं रहने देंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। गन्ना जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने उग्र से रबी की 5-6 फसलों की घोषणा की, उसी दिन हमारी मीटिंग थी केन बोर्ड, ये जो शुगर केन बोर्ड की, तो केन बोर्ड के हमारे JP दलाल साहब जो कृषि मंत्री, वो आए कि क्या करना है। मैंने कभी देखो क्या करना है, हमने अपना रिकॉर्ड बना के रखना है, पंजाब में तो चुनाव है इसलिए भाई 360 कर दिया, हमारा 350 है, 60 उनका है, हमसे 10 ही रुपये ज़्यादा है ना, आप हिसाब किताब लगाओ। बोर्ड के लोग अपना कैलकुलेशन करें कि हाँ कितना कम नुकसान होता है, कितनी सब्सिडी देनी पड़ती है, 10 रुपये और सब्सिडी ज़्यादा जाएगी तो जाएगी, लेकिन 360 से ऊपर जाना, नीचे नहीं रहना। तो अगले दिन फिर उन्होंने 362 कैलकुलेट करके मैंने कहा कर दो घोषणा, हम रहेंगे ऊपर। हालांकि किस पंजाब के लोग पिछले 4 साल एक पैसा नहीं बढ़ाया उन्होंने, अब वो इस बार कहता है 360, हमने तो लगातार हर साल 10 रुपये बढ़ाए, हर साल 10 रुपये बढ़ाए, हमारे सामने तो कोई इलेक्शन नहीं है, हम तो अब बढ़ाए हैं, अगले साल फिर बढ़ाएंगे, उससे अगले साल फिर बढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आखिर तो चीनी मिलों को जितना भी घाटा है वो हम देते हैं, जैसा बताया FRP और SAP का जो डिफरेंस है वो हम देते हैं, हर एक मिल को देते हैं, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। 11 सरकारी मिले हैं हमारी, 3 प्राइवेट मिले हैं, केवल एक मिल को मैं कहता हूँ नारायणगढ़ को अगर छोड़ दें, बाकी किसी मिल की कोई पेमेंट बाकी नहीं है, है किसी की बाकी? नारायणगढ़ को, नारायणगढ़ का संकट है, हमने उनको 100 करोड़ रुपया 2 साल पहले लोन दिया था, उस समय तक हमें उनका सारा क्या सिस्टम है क्या नहीं पता नहीं था, बाद में जब लगा के तो घाटे में लगातार जा रही है, उनकी मैनेजमेंट ही सारी गड़बड़ थी, हमने वो टेक ओवर एक प्रकार से कर ही लिया। वो अब हमारे चेयरमैन DC जो अंबाला के हैं वो उसके चेयरमैन हैं, नारायणगढ़ के SDM हैं वो उसके CEO हैं, सारा सिस्टम अकाउंट वगैरह खुद देखते हैं, और 2 साल से घाटा बढ़ा नहीं है, जितना घाटा उनका लगभग 60 करोड़ रुपये चल रहा है, बस कम भी नहीं हुआ बढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसके सारे सिस्टम ठीक कर लिए हैं, आगे उसके यानी घाटे को बढ़ने नहीं देंगे बल्कि कुछ कम करेंगे, और जितना घाटा कम होता जाएगा उतना किसान का जो बकाया है वो पूरा करते चले जाएंगे। आज लगभग 60 करोड़ रुपया है जिसके PDC चेक और जो बैलेंस बाकी नारायणगढ़ शुगर मिल का है, इतना मैं कहता हूँ किसी का पैसा मरने नहीं देंगे। अब ये जो आजकल एक विषय को मैं टच जरूर करूँगा कि किसान का नाम लेकर के जो एक प्रोपोगंडा बना रखा है कि किसान की ज़मीन चली जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएंगी और आगे हमको सारा कुछ बड़े बड़े व्यापारी ले जाएंगे, कोई व्यापारी ले जाने वाला नहीं है। ये जो किसानों के लिए जो कृषि 3 कानून जो बनाए गए हैं ये आज से चर्चा नहीं है, ये 25-30 वर्ष से कांग्रेस के राज में ही शुरू हुई थी और कांग्रेस वालों ने इन चीज़ों का समर्थन किया हुआ है। अब चूँकि आज कांग्रेस का राज नहीं है, उनको एक ही भय लगता है कि अब ये लागू हो गए तो इसका कल को होने वाला जो फायदा है वो सारा हमें नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। एक राजनीतिक तौर के ऊपर इन चीज़ों में कुछ लोगों ने हवा दी हुई है, तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी जगह पर सरकार की ओर से हम करेंगे ही,
आप लोग अपनी अपनी जगह पर ही जागरूकता को फैलाएं कि सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। और कुछ ऐसी शक्तियां भी जिनको मैं कह सकता हूं कि देश विरोधी शक्तियां भी इसके अंदर लगी हुई हैं और ओपनली उन्होंने आके प्रपंड भी किया है, हमने भी कहा हमेशा। तो ऐसी शक्तियों से बच के रहना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, समाज को बचाना है। तो ये कितना ही लंबा भी चल रहा है, हम सोचते हैं चलो अपने ही लोग हैं सब ठीक हो जाएंगे, समय के ऊपर सबको एक सद्बुद्धि आएगी तो सारा मामला ठीक होगा। इसलिए जिद के कारण से ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमने बार बार कहा है कि आप बातचीत के टेबल पर आओ और बातचीत के माध्यम से आप बताओ क्या गलत है। हम कभी भी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई समाज का वर्ग हम ना पीछे छोड़ते हैं ना कभी छोड़ा है। एक परिवार के नाते सब काम करते हैं, उस परिवार में किसान वर्ग जो है महत्वपूर्ण वर्ग है। इस किसान वर्ग की अनदेखी कोई नहीं कर सकता इस देश में, ना देश का प्रधानमंत्री कर सकता, ना कोई मुख्यमंत्री कर सकता, ना हम संगठन में आते कर सकते। कोई अनदेखी कभी नहीं करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज इस अवसर पर आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा इसी प्रकार से मिल करके आगे बढ़ते रहें, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।